आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आमदानी नुहे बरंग युद्धास्त्र रप्तानी करुछि भारत। प्रतिरक्षा आमदानी रे 21% ह्रास, रप्तानी हार रे 8% रु अधिक वृद्धि। गत वर्ष 13,000 कोटी टंकार प्रतिरक्षा सामग्री रप्तानी, शतकड़ा 70% घरोई क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत। देशर सेना बाहिनीर आत्मनिर्भर क्षमता बढ़ाइबा दिगरे सबुठारु बड़ उपलब्धि। सफल होइछि प्रधानमंत्री मोदीक आत्मनिर्भर भारतर गुरुमंत्र। प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरशील हो सारी एवं आगको आहुरी अधिक हेबार लक्ष्य रखी बोली नावल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन संगठन सेमिनार स्वावलंबन को संबोधन करी कहिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। प्रतिरक्षा क्षेत्र में देश में निरविच्छिन्न भाव में स्वदेशी वैषयिक प्रकल्प वृद्धि करने को पड़। भारत स्वाधीनतार शतवार्षिकी पालन करने समय नौसेना एक अभूतपूर्व शिखर छुई सारी बोली प्रधानमंत्री। भारत प्रतिरक्षा प्रणाली स्वाधीनता पूर्वर मध्य बहु शक्तिशाली थी। देश में से समय 18 अर्डिनान्स कारखाना था जहाँ विश्व को आर्टिलरी तोप रप्तानी करुला। एपरिक द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत एक प्रमुख प्रतिरक्षा उपकरण जोगाणकारी थी। इच्छापुर राइफल कारखाना रे निमित्त हाईजर मेसिन गन सर्वोत्तम विवेचित होता, अधिकांश रप्तानी किंतु परिस्थिति परिवर्तन हेतु परे देश को युद्धास्त्र आमदानी करने को पड़ा। देश में ये जानकारी भी बहुत कम लोगों को है कि भारत का डिफेंस सेक्टर आजादी से पहले भी काफी मजबूत हुआ करता था। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जहां आर्टिलरी गन समेत कई तरह के सैनिक साजो सामान हमारे देश में बना करते थे। दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों के हम एक अहम सप्लायर थे। हमारे हॉविट्ज़र तोपों, ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बनी मशीन गनों को उस समय श्रेष्ठ माना जाता था। हम बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय में हम इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए। यही अवसर रे प्रतिरक्षा बाहिनी 300 प्रकार सामग्री बाहर आमदानी न करने को तालिका प्रस्तुति करितिबार उसेमान को धन्यवाद जणाइछन्ति प्रधानमंत्री। गत 4 वर्ष रे स्वल्प समय मध्यरे आमर प्रतिरक्षा आमदानी प्राय 21% भागरु ह्रास पाइछि। वर्तमान आमे प्रतिरक्षा आमदानी हेबाटारु प्रतिरक्षा रप्तानी आड़कु बेसी बढ़ुचु। मैं भारत की सेनाओं को बधाई दूंगा, उन्होंने 300 से अधिक हथियारों उपकरणों की सूची बनाई है जो मेड इन इंडिया ही होंगे और उनका उपयोग हमारी सेनाएं करेगी। उन चीजों को हम बाहर से नहीं लेंगे। मैं इस निर्णय के लिए तीनों सेनाओं के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा है। बीते 4-5 सालों में हमारा डिफेंस इंपोर्ट लगभग 21% कम हुआ है, इतने कम समय में। और ये नहीं कि हमने पैसे बचाने के लिए कम किया है, हमने हमारे यहां उसका ऑल्टरनेट दिया है जी। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गत वर्ष 13,000 कोटी टंकार प्रतिरक्षा सामग्री रप्तानी करा जायतिबा बेले सेथिरु केवल शतकड़ा 70% घरोई क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत होइतिबा प्रधानमंत्री प्रकाश करथिले। एहाकु नै प्रतिरक्षा विशेषज्ञ देव महांति कहिछन्ति भारत वर्तमान तृतीय सर्वबृहत आमदानी राष्ट्र रहिछि। 21% आमदानी ह्रास हेबा एक बड़ सफलता। भारत सरकार वर्तमान मलेशिया को ब्रह्मास्त्र बिकिबा पई चुक्ति करि सारिछन्ति। यूएई एवं साउदी आरब सहित कथाबार्ता चलिछि। भारत वर्तमान युद्धास्त्र क्षेत्र में एक बड़ एक्सपोर्टर होगा। देश में 2025 सुधा 35,000 कोटी प्रतिरक्षा सामग्री रप्तानी होगा। प्रधानमंत्री राजनीतिक इच्छा शक्ति यह संभव हो पारी डिफेंस एक्सपर्ट देव महांती।
डिफेन्स एक्सपोर्ट बढ़ेकि डिफेन्स इम्पोर्ट को कम करवा एटा गोटे बहुत महत्वपूर्ण जिनसटे कहिसेंति एटा केवल जणे कहि परिबे जेतेबेले जणक पाखरे पॉलिटिकल विल आसीबो ए पॉलिटिकल विल वाज लैकिंग तो सेटा प्रधानमंत्री कहिकि देश पई गोटे बहुत बड़ संदेश देइचेंति आ ए संदेश उपर को नजर रखिकि आगु को काम करिया उचित बीजेपी सरकार जो एनडीए सरकार जेतेबेले आसीले सेमाने इयरमार्क कले जे 60% आमर जो कैपिटल बजेट रो 60% को आमे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को दिया जीवो से टेंडर आउ से जो प्रोजेक्ट्स कुडा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दिया जीवो सेटा गोटे बहुत इट्स अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड ता छोड़ा नेगेटिव लिस्ट बाहर कराई छि जे ए ए आइटम गुडाए आइटम देशरे अछि जो गुडा कि से माने कहउछन जे एगुडा आमे इंपोर्ट करिवानी एगुड़ा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रे ये हम तो नेचुरली ए टाइप रो जेतोले रिफॉर्म्स आसीबो तो डेफिनेटली इंडिया रो जो मैन्युफैक्चरिंग पावर टा अछि से पावर सहित तो जेतोले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऐड होछि सेटा आहुरी इट विल टेक टू द नेक्स्ट लेवल। नुआ दिल्ली रो कैमरामैन आदित्यन का सह गगन विश्वाल का रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।